सीतापुर नाम के गांव में शारदा नाम की औरत रहा करती थी। उसके पति के देहांत के बाद वह मजदूरी का काम किया करती थी। उसे एक रानी नाम की लड़की थी जो स्कूल में जाती थी। शारदा जब मजदूरी का काम किया करती थी तब रानी स्कूल जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करती थी। जब जब रानी को समय मिलता वो भी अपनी माँ के साथ काम पर चली जाया करती थी। दूसरे गांव में अगर मजदूरी का काम मिला तो शारदा रानी को लेकर दूसरे गांव चली जाती थी। एक दिन अपना काम खत्म करके शारदा जंगल के रास्ते से घर जा रही थी। तभी भूख लगने की वजह से शारदा और रानी एक पेड़ के नीचे रोटी खाने के लिए बैठ जाती है। शारदा रानी से, रानी बेटी चलो हम पहले खाना खा लेते हैं। हाँ माँ, मुझे भी बहुत भूख लगी है, चलो ना खाना खाते हैं। दोनों माँ बेटी खाना खाना शुरू कर रही थी तभी उनके पास एक बूढ़ी औरत आकर, मुझे बहुत भूख लगी है बेटा, दो दिन से मैंने खाना नहीं खाया। आइए माँ जी हमारे साथ खाना खा लीजिए। ऐसा कहकर शारदा बूढ़ी औरत को दो रोटियां दे देती है। बूढ़ी औरत भूखी होने की वजह से वह दो रोटी झट से खा लेती है। तभी बूढ़ी औरत, मुझे और भूख लगी है, मुझे और खाने को दो। उसकी बातें सुन शारदा ने उसे अपने हिस्से की रोटी भी खाने को दे दी। तभी बूढ़ी औरत ने वह रोटी भी खा ली। यह देख रानी बूढ़ी औरत से, दादी जी लगता है आपको बहुत भूख लगी है, ये लीजिए मेरे हिस्से की रोटी भी आप ही खा लीजिए। ऐसा कहकर रानी ने भी अपनी रोटियां बूढ़ी दादी को दे दी। बूढ़ी दादी ने रानी के हिस्से की रोटी भी खा ली। तभी बूढ़ी दादी शारदा से, क्या तुम्हारे पास इतनी ही रोटियां थी? देखिए माँ जी मैं काम खत्म करके घर जा रही थी, हमने रास्ते में खाने के लिए सिर्फ 6 ही रोटियां लाई थी, अब खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। अगर आपको बहुत भूख लगी है तो माँ जी आप हमारे साथ हमारे घर चलो, मैं आपको हर रोज आपको जितनी रोटियां चाहिए उतनी बनाकर खिलाऊंगी। क्या तुम सच में मुझे जितनी रोटियां चाहिए उतनी बनाकर खिलाओगी? अपनी जबान से बदलना नहीं, समझी? माँ जी मैं आपको जबान देती हूँ, आपको जितनी रोटियां चाहिए उतनी मैं आपको बनाकर खिलाऊंगी। बूढ़ी औरत उसकी बातें सुन जोर जोर से हंसने लगी और उसने एक बड़े राक्षस का रूप धारण कर लिया। तभी उस राक्षस को देखकर रानी बहुत डर गई और अपने माँ के पास जाकर खड़ी रह गई। शारदा डर गई थी मगर उसने हिम्मत जुटाकर उस राक्षस से कहा, देखो मेरे कहे अनुसार मैं तुम्हें हर रोज रोटी खिलाऊंगी, और जिस दिन मैं तुम्हें रोटी ना खिला पाई उस दिन मैं और मेरी बेटी अपने आप आकर तुम्हें सौंप देंगे। शारदा की बातें सुन राक्षस मान गई। शारदा और रानी अपने गांव लौट गए। तभी रानी शारदा से, माँ तुमने बड़ी खूबी से उस राक्षस से हम दोनों को छुड़ा लिया। नहीं बेटी मैंने उस राक्षस से झूठ नहीं बोला, मैं सच में कल से उसे रोटियां बनाकर लेकर जाऊंगी, मैंने उसे वचन दिया है। ठीक है माँ। दूसरे दिन शारदा ढेर सारी रोटियां बनाकर एक टोकरी में भरने लगी। रानी ने भी उसकी मदद कर दी और वो दोनों टोकरी उठाकर जंगल में लेकर गए। वहाँ राक्षस शारदा से, वाह क्या खुशबू है, कहाँ है मेरी रोटियां, लाओ जल्दी दो मुझे, बहुत भूख लगी है। ऐसा कहकर राक्षस टोकरी की सारी रोटियां खा गई और राक्षस शारदा से, मुझे हर रोज ऐसे ही गर्मा गर्म स्वादिष्ट रोटियां खिलाना, वरना तुम दोनों को मैं ऐसे ही खा जाऊंगी। ऐसा सुनकर शारदा और रानी टोकरी लेकर घर लौट आए। वो दोनों हर रोज टोकरी भरकर रोटियां बनाती और उस राक्षस के लिए ले जाती। राक्षस भी बड़े मजे से गर्मा गर्म रोटी खाया करती थी। ऐसे ही कुछ समय बीत गया। एक दिन रानी शारदा से, माँ हमारे पास रोटी बनाने के लिए थोड़ा भी आटा बचा नहीं है और हमारे पास के पैसे भी खत्म हो गए है, अब हम क्या करें माँ? क्या करें बेटा, हम दोनों ने जबान दी है तो हमें जाना ही होगा, आज क्या होगा पता नहीं, उसका डर तो मुझे भी लग रहा है। उसी समय वह राक्षस बनी बूढ़ी दादी शारदा के घर आती है और शारदा से बूढ़ी औरत, आओ माँ जी हम तुम्हारे ही बारे में बात कर रहे थे, इतने दिन मैंने मेहनत करके तुम्हारी भूख मिटाई है पर हमारे पास अब पैसे बिल्कुल खत्म हो गए है, तुमने तो आज हमें जंगल तक आने की तकलीफ से भी बचा लिया है, आज तुम हम दोनों को ही खा लो। ऐसा कहकर शारदा अपने बेटी को गले लग जाती है। तभी बूढ़ी दादी एक देवी के रूप में बदल जाती है। वह बूढ़ी दादी राक्षस के सिवा देवी बनी देख शारदा और रानी अचरज से एक दूसरे की ओर देखते हैं। तभी देवी शारदा से, मैंने तुम दोनों की बात सुन ली थी,
जब मैंने तुम दोनों को जंगल में देखा था तब तुम दोनों ने अपने पास की रोटी तो दी थी और अपने हिस्से की रोटी भी मुझे दे दी। मैं तुम दोनों की परीक्षा ले रही थी। मैं परीक्षा लेने के लिए राक्षस में बदल गई और तुमने मुझे एक दिन भी नहीं कोसा और हर रोज अपने किए वादे के मुताबिक मुझे रोटी खिलाती रही। इससे मैं बहुत प्रसन्न हो गई हूँ। मैंने तुम दोनों जैसा नेक इंसान आज तक नहीं देखा। तुमने मुझे खाना खिलाकर संतुष्ट किया। आज से तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। ऐसा कहकर देवी माँ ने हीरे, पैसे, सोने के सिक्कों का ढेर बना दिया। शारदा और रानी तो ये देखकर हैरान हो जाते हैं। तभी देवी शारदा से, तुम अब अपनी पूरी जिंदगी अच्छी तरह से गुजार सकती हो। और हाँ, तुम्हारे ऊपर मैं एक और बड़ी जिम्मेदारी डालने वाली हूँ। ऐसा कहकर देवी माँ ने अपना हाथ घुमाया और वहाँ एक जादुई छड़ी आ गई। वो छड़ी देवी माँ शारदा को देकर, तुम इस छड़ी को जैसे ही गोल घुमाओगी तब यहाँ ढेर सारी रोटियाँ तैयार होगी। तुम उन रोटियों को लेकर गरीबों में बांट देना। तुम गरीबों की सहायता कर उनकी भूख मिटाओगी। ऐसा कहकर देवी माँ आशीर्वाद देकर वहाँ से अदृश्य हो गई। तभी शारदा ने कीमती हीरे, जवाहरात, सोने के सिक्के और पैसे अलमारी में रख दिए और कुछ पैसों से शारदा ने नया घर भी बनवाया और उसमें रहने लगी। अगले दिन से शारदा उस जादुई छड़ी की सहायता से रोटियां बनाने लगी और रानी उन रोटियों को एक टोकरी में भरने लगी। पर्याप्त रोटियां जब बन जाए तब शारदा उसे बंद कर दिया करती थी। शारदा वो रोटियां हर रोज गरीबों में बांटती थी और कुछ रोटियां मंदिर में भी दान किया करती थी। वो रोटियां बांटते बांटते अपना जीवन हंसी खुशी गुजार रही थी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में हमेशा सबकी मदद करनी चाहिए और भूखे की हमेशा भूख मिटानी चाहिए। कब हमारा नसीब चमक जाए ये हमें भी पता नहीं चलता। इसीलिए अच्छे कर्म करो, फल की अपेक्षा मत करो।